अस्सलाम वालेकुम। ये मकी हमारा ये रोज़गार है, इसमें हमारे रिज़्क रोज़ी है। हम इंशाल्लाह इसमें चलते रहेंगे, बस ज़िंदगी में बस ये चलते रहेंगे, रोज़ी दे देंगे अल्लाह। तो वह कोई कैसे कमाएंगे, कोई कैसे, इसमें हमारा रोज़ी या वही रोज़ी है, बस कभी मिल जाएंगे कभी नहीं मिलेंगे, इसी तरह भी हो जाएंगे। नहीं तो आप इसको पाल कैसे रहे हो, या कुदरती पल रही है या इनको कोई खुराक दे रहे हो? नहीं नहीं जी, ये जब फूल बन जाएंगे तो फिर ये खुद अपने लिए भी रोज़ी लाएंगे और हमारे लिए भी लाएंगे। अच्छा, जब फूल नहीं होगा तो हम इसको चीनी खिलाएंगे। अच्छा, जब तक फूल नहीं है आप फिर आर्टिफिशियल चीनी जो है ना? जी जी, आप इसको हफ्ते में 2 तोड़े चीनी हम दे देंगे। 2 तोड़े? जी जी, दो तोड़े का मतलब 120 किलोग्राम तकरीबन। हाँ जी, तकरीबन 10,000। हाँ, 10 किलो, 10,000 आजकल बन जाएगा। 10,000 हफ्ते का खाती है? हफ्ते इसका खर्चा है। तो बस ऐसे तरह चलता रहेंगे, जब पुल हो जाएंगे तो फिर माँ को भी बन जाएगा हमारे, और इसके लिए भी। ये गर्मी में हम ले जाएंगे कागान नारायण में, मनसेराटाबाद की तरफ हो। अच्छा, तो ये हाँ जी गर्मी में, तो फिर उस सर्दी में हम इधर लाएंगे, या सरगोदा इलाका में या फैसलाबाद में, जो पसंद आता था उधर हम रख देंगे। यानी उधर ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दी में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे? सर्दी नहीं नहीं, ज़्यादा सर्दी में बर्दाश्त नहीं होगा। सही है, तो थोड़ा जो मुनासिब मौसम है उसकी तरफ आप नीचे मैदानों में या तालाब में आ जाते हैं। जी जी, ये इलाका में अभी थोड़ा मौसम सही है, तो न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। सही है, और तो कागान नारायण भी इस तरह है, उधर न ज़्यादा गर्मी होगा न ज़्यादा सर्दी होगा। ठीक है, जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगा तो फिर वो मक्खी फिर बड़ा ही नहीं करता है, बचा नहीं करता है। सही है। तो दूसरा, इसके शहद का कोई टेस्ट जो बिल्कुल ही कुदरती पलती है जी। एक तो होता ना कि किसी दरख्त पे लगा हुआ छत्ता, और उसका जायका इसका जायका क्या कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, वो इस तरह है कि वो माकू जब उसमें हो जाएगा तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, ज़्यादा पक जाएगा, जिस तरह ये रोटी हम खमीर रोटी बनाएंगे। ठीक है, ये कोई जल्दी पकाएंगे वो जल्दी होगा, जो खमीरा होगा वो थोड़ा खमीर करता है। हम ये खमीरा वाला नहीं है, थोड़ा जल्दी ये करूँगा, एक बार निकालेंगे दोबारा कोशिश होगा तो दोबारा हम निकालेंगे। अच्छा जी, इस तरह होगा। तो ये काम खोल के देख सकते हैं ऐसे? वैसे खोल के देख लेगा, प्रॉब्लम तो नहीं है? लड़ ना जाएंगे तो? नहीं, मैं थोड़ा दूर ही रहूँगा ना। अच्छा, कोई एक आप डब्बा खोल के दिखाएं ना ज़रा, वो तो आपको पता है ना कि कैसे इसको। तो आप ये भी पकड़ लें, फिर एक हाथ में पकड़ लें थोड़ा सा ऐसे। नहीं, इंशाल्लाह नहीं लड़ेगा। अच्छा, अभी मक्की तो कमज़ोर है ना? अच्छा अच्छा, मक्की कमज़ोर है, इसमें 10 प्रिम मक्की आ जाएगा। अभी ये मक्की है तकरीबन, ये देखो तकरीबन ये 4 प्रिम 5 प्रिम होगा। अच्छा, 4-5 प्रिम 5 प्रिम है। सही, अगर ये सितारा आराम आराम से मक्की बड़ाई भी करता है, फिर ये सितारा ये पर्दा इस तरह करूंगा तो फिर ये बच्चा इस तरह करेगा, फिर 10 प्रिम पूरा हो जाएगा। सही सही। इधर खुराक डलवाएंगे, ये खुराक दानी है। अच्छा, ये वाला ठीक। जब कुछ नहीं मिलेंगे बाहर फिर इसको आप खुराक देंगे। ठीक हो गया। हाँ, ज़्यादा थोड़ा मुनासिब खुराक दे देंगे तो इस तरह आराम आराम से ये चलता रहेंगे। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है काफ़ी मक्खी मरी भी पड़ी हुई है। हाँ, बस ये इसका कोई बीमारी होगा ना, इसका हम इसको चूजी बोलते हैं, चूजी। अच्छा, जो माल पर भी होगा। हाँ हाँ, इंसान पर भी होगा, सर पर भी, इस तरह इस पर भी होगा। जब बच्चा खाना में होगा उसमें वो चूजी वो इसका पर खा लेता है। ठीक हो, पर खा लेते वो ज़मीन पे फिर घूम जाए, ऐसे खुद एक दूसरे को खाते भी हैं ये। हाँ, वो चूजी फिर ये ज़मीन पर ये मक्की पर चला जाता है। इसको महीने में हम 3-4 दफ़ा इसको दवाई दे देंगे। ये कितने बॉक्स आपने लगाए हुए इधर? जी, ये जो बॉक्स रखे हुए हैं जी, कितने रखे हुए? ये तकरीबन 185 हो गए, 125 के पास है। 185 पेटी है। सही है जी। ठीक है, 185 पेटी है। तो रोज़ी अच्छी निकलाती है? तो बस गुजारा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बस सही है, अल्लाह का शुक्र अदा करना बस, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता रहेंगे। हाँ जी, ये ना मैंने गुजरता रहता था तो मैं कई दफ़ा देखा कई जगह पे ऐसे टेंट लगे हुए हैं। हाँ जी, इसका मतलब है जगह जगह पे? हाँ, हर जगह में थोड़ा फासला रखना पड़ेगा। हाँ, क्या नज़दीक वो गाना तो मिक्सअप हो जाएगा, इधर का कोई काम नहीं, इधर का मक्खी उधर उधर का उधर। जी, ये मक्खी फिर आपस में झगड़ा भी करता है। अच्छा, खुराक नहीं मिलेंगे ना तो ये मक्खी आपस में आ जाएंगे, फिर ये झगड़ा करता है। सही है। हाँ जी, चले ठीक है, जजाकल्ला जी। ये हमारा काम, ये तंबू हमारा, ये खान साहब ने जनाब तंबू भी अपना लगाया हुआ है, जब पक्का ये रहायश इधर ही है, और इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम जो है सोलर से है। ठीक है जी, ये और माशाल्लाह खाना पकाने का साफ बर्तन पानी वानी नहाने धोने का टोटल इंतज़ाम जो इधर इन्होंने किया हुआ है जी।
ठीक है खान साहब, अल्लाह आपको जजा दे। आपको कावा बनाएंगे, दूध तो हमारे पास है ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बस आपने पूछ लिया, हमने बस कावा पी लिया। माकू का टाइम भी नहीं, आपको थोड़ा बहुत खिलाएंगे, माकू का टाइम भी नहीं। फिर आएंगे इंशाल्लाह, इधर ही इंशाल्लाह आएंगे, ये इधर ही है, गाँव मेरा इधर ही है, मैं शहर से आया हूँ, मगर इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो कावा कौन सा लेके आते उधर, पेशावरी कावा है? हम ये आरिपुर में रहता है, आरिपुर पेशावर वाला कावा होगा। हाँ हाँ, पेशावर वाला कावा है, कावा चले बेहतर वाला। चले ठीक है, अल्लाह ठीक है, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। तो जो देखने वाले भाई हैं हमारे इंटरनेट पे, वो आपको देखेंगे, थोड़ा उनको पता चलेगा कि शायद जो है ये खालिस है या कितना चीनी। नहीं, खालिस होगा, खालिस होगा। क्या कि अब जब बनाए, चीनी इनको देना मजबूरी है क्योंकि मक्खी मर जाती है। जी जी जी, ठीक है, इसलिए चीनी आप खिलाते हो एक सीजन के लिए। हाँ जी, चीनी नहीं देंगे तो ये मर जाएगी। ठीक, जब वो शुरू हो जाएंगे फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर वो फूलों से लेंगे। खालिस अभी तो इधर फूल है ना काफी, ये अभी थोड़ा सरसों का शुरू हो जाएंगे ना, अभी कच्चा है, पक्का अभी तक नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत करा। ये सरसों का ये माकू आजकल इतना रेट नहीं है, बेर वाला है, पुलाई वाला है, बेकड़ वगैरह है, ये अच्छा होगा। चले ठीक, ये वाला थोड़ा कमजोर है। चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे, आपका कावा भी देखेंगे इंशाल्लाह। हरिपुर वाला कावा कैसा है? अभी पीएंगे तो अभी बना। नहीं अभी नहीं, वो गाड़ी सामने खड़ी है, वो हॉर्न दे रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी।